एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज जिस प्लांट का हम वीडियो बना रहे हैं वो हमारा मॉस रोज। ये आप देख ही सकते हैं इसके फ्लावर कितने अच्छे से खिले हैं। और इसकी एक खासियत है गाइस, ये सुबह के 10 बजे ही खिलता है, इसलिए 10 o'clock प्लांट भी कहते हैं इसे। और ये मॉस की तरह ग्रास की तरह आता है, इसलिए इसे मॉस रोज भी कहते हैं। ये आप देख ही सकते हैं, ये कई कलर में आता है गाइस। ये येलो वाला है, हमारे पास रेड वाला भी है। और गर्मियों में बहुत अच्छे से चलता है। इसके साथ हमने ये लगा के रखा है कॉक्सकॉम वेलवेट का प्लांट। ये दोनों सेम सॉइल प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने साथ में लगा रखा है गाइस। और ये थोड़ा सक्यूलेंट टाइप पौधा है, इसलिए इसे ज़्यादा पानी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। और ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते रहता है। आप इसे गोट मैन्योर, सीवीड फर्टिलाइज़र या तो लिक्विड कंपोस्ट फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। गर्मियों में लिक्विड कंपोस्ट फर्टिलाइज़र ही बेस्ट होता है गाइस, ये सॉइल में जल्दी एब्जॉर्ब होता है। अभी फ़िलहाल इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, हमने इसे लगा के 2 महीने हुए हैं। ये हर साल आ जाता है अपने आप गाइस, इसे एक बार लगा दिए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा देखभाल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। और ये ग्रो होते रहता है। ये हमारा पिंक वाला भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे हमारा पिंक वाला है गाइस। ये थोड़ा रोज़ के प्लांट के बीच में आ चुका है ये वाला। ये आप देख ही सकते हैं इसे, इतने अच्छे से ये कर रहा है, ब्लूम कर रहा है। और इसे भी हमने एकदम छोटे पॉट में लगा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 इंच का ये पॉट है। इसमें और भी कली आ रही है गाइस। और ये एकदम ग्रास की तरह ग्रो होते रहता है। ये आप देख ही सकते हैं, हर नोड पे इसे बढ़ जा रहे हैं। और ये अभी और भी खुलेंगे, यहाँ पे कुछ आके जा चुके हैं। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।